With Siddaramaiah taking oath as Karnataka's next chief minister, the Congress hopes it would have not only resolved its leadership issue in the state, but also used the ceremony to showcase opposition unity. On the invitee list are carefully chosen leaders from opposition parties like DMK's M.K. Stalin, TMC's Mamata Banerjee, JMM's Hemant Soren, JDU's Nitish Kumar, all of whom are chief ministers. Then there's RJD's Tejaswi Yadav, Sharad Pawar from the NCP, Uddhav Thackeray leading the Shiv Sena faction, and Farooq Abdullah of the National Conference. और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से संपर्क था, उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाए। आपने जिस अभियान का शिलान्यास किया है उसका शुभारंभ मानते हैं? बेहतर हुआ सबसे पहले वो आएगा ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए, और जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को। आप लगातार बोलते रहे कि विपक्ष अगर एकजुट होगा तो अगली बैठक होगा, लेकिन कर्नाटक ने तो ये दिखा दिया। सर अगली बैठक कब है सर? एक बार जब वहाँ पर हो गया उसके बाद किसी का नाम है, बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे, वो देश के हित में होगा, उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा, तो कल तो जाएंगे उसका दौर भी। जो सर अगली बैठक कब कर रहे हैं? भारतीय जनगणना को लेकर सुप्रीम विपक्ष मांग कर रहा है। ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद तो हम कोई कमेंट नहीं कर रहे। सर कानून बनेगा वो उचित नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा, इसको पूरी बात जब आ रही है तो उसके बाद जो उसके लिए जो अभी उचित नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगा तो सारी बातें पहले तो हम बता ही दिए थे कि क्यों किया जा रहा है। और आप बोलिए ना, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है 11 में, आप बोलिए जाति आधारित जनगणना, हम लोग तो जनगणना का हमारा अधिकार नहीं है केंद्र का, हम लोग तो डिमांड कर रहे थे वो भी कर दीजिए, वो नहीं हुआ। और उसका वहां से कहा कि ठीक है आप, हम लोग नहीं कराएंगे आप करिए, तो हम लोग तो सभी पार्टियों की राय से न करा रहे थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप जरा सोच लीजिए कोई ये चीज तो नहीं है, तो जिसके चलते हम लोगों ने किया है ये। साहब अगर इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए कौन मेरे माथा पर, तो फिर किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कोई जो गरीबी का यश का देखे, चाहे कोई भी जात का, अपर कास्ट का हो या महादलित दलित कोई भी हो, बैकवर्ड हो कोई भी, हिंदू मुस्लिम कोई हो, सबकी स्थिति को देख करके सरकार का तो हम लोगों का उद्देश्य यही था कि सबकी स्थिति को बेहतर करेंगे। बीजेपी मांग रही कानून बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है। बताइए बीजेपी साथ में नहीं था, जब ये किए थे तो उस समय वो काहे नहीं कहा। But the Congress hasn't invited these leaders.